ऐ पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। कह दो कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो, बस अगर वो न माने तो अल्लाह भी काफिरों को दोस्त नहीं रखता। अल्लाह ने आदम और नूह और खानदान इब्राहिम और खानदान इमरान को तमाम जहान के लोगों में से मुंतखब फरमाया था, उनमें से बाज की औलाद थे, और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। वो वक्त याद करने के लायक है जब इमरान की बीवी ने कहा कि ऐ परवरदिगार, जो बच्चा मेरे पेट में है मैं इसको तेरी नजर करती हूँ, इसे दुनिया के कामों से आजाद रखूंगी, तू इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा, तू तो सुनने वाला है, जानने वाला है। फिर जब उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो कहने लगी कि परवरदिगार, मेरे तो लड़की हुई है, जबकि अल्लाह खूब जानता था जो उनके यहाँ विलादत हुई थी, और न होता लड़का मानंद इस लड़की के। और कहने लगी, मैंने इसका नाम मरियम रखा है, और मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान मर्दूद से तेरी पनाह में देती हूँ। तो उसके परवरदिगार ने उसको पसंदीदगी के साथ कबूल फरमाया और उसे अच्छी तरह परवरिश किया, और जकरिया को उसका कफील बनाया। जकरिया जब कभी इबादतगाह में उसके पास जाते तो उसके पास खाना पाते। ये कैफियत देखकर एक दिन मरियम से पूछने लगे कि मरियम, ये खाना तुम्हारे पास कहां से आता है? वो बोली कि अल्लाह के यहां से आता है, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। उस वक्त जकरिया ने अपने परवरदिगार को पुकारा, अर्ज की कि परवरदिगार, मुझे अपनी तरफ से औलाद सवाले अता फरमा, तू बेशक दुआ सुनने वाला है। चुनाचे वो अभी इबादतगाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज दी कि जकरिया, अल्लाह तुम्हें याहिया की बिशारत देता है, जो कलेमतुल्लाह यानी ईसा की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रगबत न रखने वाले और एक पैगंबर यानी नेकुकारों में होंगे। जकरिया ने कहा, ऐ परवरदिगार, मेरे यहां लड़का क्यों कर पैदा होगा कि मैं तो बुढ़ा हो गया हूं और मेरी बीवी बांझ है? फरमाया, इसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है। जकरिया ने कहा कि परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दे। फरमाया, तुम्हारी निशानी यह है कि तुम लोगों से 3 दिन इशारे के सिवा बात न कर सकोगे, तो उन दिनों में अपने परवरदिगार की कसरत से याद और सुबह शाम उसकी तस्बीह करना। और जब फरिश्तों ने मरियम से कहा कि मरियम, अल्लाह ने तुमको बरगुजीदा किया है और तुम्हें पाक बनाया है और दुनिया जहान की औरतों में से तुमको मुंतखब किया है, ऐ मरियम, अपने परवरदिगार की फरमाबरदारी करना और सजदा करना और रुकू करने वालों के साथ रुकू करना। ऐ नबी, ये बातें अखबार गैब में से हैं जो हम तुम्हारे पास भेजते हैं। और जब वो लोग अपने कलम बतौर कुरा डाल रहे थे कि मरियम का कफील कौन बने, तो तुम उनके पास नहीं थे और न उस वक्त ही उनके पास थे जब वो आपस में झगड़ रहे थे। वो वक्त भी याद करने के लायक है जब फरिश्तों ने मरियम से कहा कि मरियम, अल्लाह तुमको अपनी तरफ से एक कलमे की बिशारत देता है जिसका नाम मसीह और मशहूर ईसा इब्ने मरियम होगा, और जो दुनिया और आखिरत में आबरूमंद और मुकर्रबीन में से होगा, और माँ की गोद में और बड़ी उम्र का होकर दोनों हालतों में लोगों से यकसा गुफ्तगू करेगा और नेकुकारों में होगा। मरियम ने कहा कि परवरदिगार, मेरे यहाँ बच्चा क्यों कर होगा कि किसी इंसान ने मुझे हाथ तक तो लगाया नहीं? फरमाया कि अल्लाह इसी तरह जो चाहता है पैदा करता है, जब वो कोई काम करना चाहता है तो इरशाद फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है, और वो उसे किताब हिकमत और तौरात और इंजील का इल्म अता करेगा, और ईसा बनी इसराइल की तरफ पैगंबर होकर जाएंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ, वो ये कि तुम्हारे सामने मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से सचमुच परिंदा हो जाता है, और पैदाइशी अंधे और अबरस को तंदुरुस्त कर देता हूँ, और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ, और जो कुछ तुम खाकर आते हो और जो अपने घरों में जमा कर रखते हो सब तुमको बता देता हूँ। अगर तुम साहिब ईमान हो तो इन बातों में तुम्हारे लिए निशानी है, और मुझसे पहले जो तौरात नाजिल हुई थी उसकी तस्दीक भी करता हूँ, और मैं इसलिए भी आया हूँ कि बास चीजें जो तुम पर हराम थी उनको तुम्हारे लिए हलाल कर दूं, और मैं तो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, तो उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर जब ईसा ने उनकी तरफ से इनकार और नाफरमानी ही देखी तो कहने लगे कि कोई है जो अल्लाह का तरफदार और मेरा मददगार हो?
हवारी बोले कि हम अल्लाह के तरफदार और आपके मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह रहे कि हम फरमाबरदार हैं। ऐ परवरदिगार, जो किताब तूने नाजिल फरमाई है हम उस पर ईमान ले आए और तेरे पैगंबर के मुत्तबे हो चुके। तू हमको मानने वालों में लिख रख, और वो यानी यहूद कत्ल ईसा के बारे में एक चाल चले और अल्लाह ने भी ईसा को बचाने के लिए तदबीर की, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। उस वक्त अल्लाह ने फरमाया कि ईसा, मैं तुम्हारी दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी करके तुमको अपनी तरफ उठा लूंगा और तुम्हें काफिरों की सोहबत से पाक कर दूंगा, और जो लोग तुम्हारी पैरवी करेंगे उनको काफिरों पर कयामत तक फायक व गालिब रखूंगा। फिर तुम सब मेरे पास लौट कर आओगे तो जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते रहे उस दिन तुम में उनका फैसला कर दूंगा। अब जो काफिर हुए उनको दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त अजाब दूंगा और उनका कोई मददगार न होगा। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको अल्लाह पूरा पूरा सिला देगा, और अल्लाह जालिमों को दोस्त नहीं रखता। ऐ नबी, यह हम तुमको अल्लाह की आयतें और हिकमत भरी नसीहतें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। ईसा का हाल अल्लाह के नजदीक आदम का सा है कि उसने पहले मिट्टी से उनको बनाया, फिर फरमाया कि बाशऊर इंसान हो जा, तो वो वैसे ही हो गए। ये बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, तो तुम हरगिज शक करने वालों में न होना। फिर अगर ये लोग ईसा के बारे में तुमसे झगड़ा करें उसके बाद कि तुमको हकीकत मालूम हो ही चुकी है, तो उनसे कहना कि आओ हम अपने बेटों और बेटियों को बुलाएं, तुम अपने बेटों और बेटियों को बुलाओ, और हम खुद भी आएं और तुम खुद भी आओ। फिर दोनों फरीक अल्लाह से दुआ और इल्तिजा करें, इस तरह झूठों पर अल्लाह की लानत भेजे। ये तमाम बयानात सही है, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और बेशक अल्लाह गालिब है साहिब हिकमत है। बस अगर ये लोग फिर जाएं तो अल्लाह मुफसिदों को खूब जानता है। कह दो कि ऐ अहले किताब, जो बात हमारे और तुम्हारे दोनों के दरमियान यकसा तस्लीम की गई है उसकी तरफ आओ, वो ये कि अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत न करें और उसके साथ किसी चीज को शरीक न बनाएं, और हम में कोई किसी को अल्लाह के सिवा अपना कारसाज न समझे। फिर अगर ये लोग इस बात को न माने तो इनसे कह दो कि तुम गवाह रहो कि हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं।